मेरे देश के लिए, यूपी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए नया इतिहास, नया निर्माण, नया संगठन, नया संविधान चाहिए। फैक्ट्री, कंपनी, एजेंसी, कारखाना का प्लांट चाहिए। मैं बीजेपी का हूँ। बीजेपी में क्या ऐसी खास वजह है आप बीजेपी के कर रहे हो? सबको लेके चलती है। क्या लेके चलती है बताइए? सबका साथ सबका विकास। कितना विकास हो रहा है? बहुत विकास हुआ। विकास की लाइए, कहाँ का विकास आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए। राम मंदिर नहीं चाहिए हमको, हमको घाट नहीं चाहिए, हमको इतिहास निर्माण संगठन चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाकरी चाहिए। अखिलेश यादव ऐसा कर सकते? अखिलेश यादव कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव का तैयारियां पारी सारी पार्टियां कर रही, उसी दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है उसके नेता दर बदलू एक मतलब एक इंडिया छोड़ के एनडीए में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अभी हम अपने जनपद जौनपुर में हैं और मजदूर संगठन, वही मजदूर जो सुबह से अपने घर से 7 बजे 6 बजे साइकिल लेके निकलते हैं, जनपद जौनपुर में किसी एक क्षेत्र में आते हैं ताकि उनको रोजगार मिले, रोज दैनिक जीवन चले और ताकि जीवन यापन उनका कुछ काम करके मिल सके। ऐसे में हमारे पीछे बहुत सारे मजदूर हैं और आज मजदूरों से हम बात करेंगे इस बार 2024 में क्या प्लान है, किसको सीट पे बैठाएंगे, दिल्ली के गुस्से में किसको बैठाएंगे, क्या मोदी जी फिर रिटर्न आएंगे या कोई और। आइए थोड़ा सा बात करते माहौल। तो भैया क्या नाम है? करीम। ये देख सकते हैं मजदूरी करते हो आप? हाँ, मजदूरी। कहाँ पर? यहीं जौनपुर। इस बार क्या प्लान है, किसको वोट देना चाहते हो इस बार? अखिलेश को। अखिलेश यादव को? नहीं, अखिलेश यादव को दोगे? हाँ, अखिलेश यादव को दोगे? मोदी जी को क्यों नहीं दोगे? मोदी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बेरोजगारी भरता कुछ मिलता नहीं, घर जाते हैं हम लोग, आते हैं फिर लौट जाते हैं, काम कुछ मिलता ही नहीं है जौनपुर में। कितने बजे आते हैं? कितने बजे आप? हम लोग 7 बजे आ जाते हैं। 7 बजे। अच्छा, रोज काम मिल जाता है आप लोगों को? नहीं मिलता। महीने में 15 दिन काम करना पड़ता है। महीने कैसे घर का खर्चा चलता है? अरे डांट बहुत घर पे भी सुनना पड़ता है, यहाँ घर पे डांट भी मिलता है और आत्महत्या करने का मन करता है। राशन मिलता है नहीं? फ्री में? फ्री में मिलता है वो 5 किलो, उससे क्या होने वाला है? मोदी जी रामराज ला चुके हैं, उनके बाद उनके जो नीतीश वाले पार्टी है वो रामराज लाए हैं, ठीक है वो तो भगवान का बात है, भगवान की बात अपने दर पे है, लेकिन रामराज वो तो है ही सदैव से, वो तो अपने दर पे है। लेकिन आप जो कह रहे हैं रामराज तो आज से नहीं, सदैव से चल रहा है, संतासनी चल रहा है, ठीक है। और ये रोजगारी जो चल रहा था अखिलेश यादव के राज में पूरा मतलब मिलता था, खाना पीना हर एक चीज़ व्यवस्था मिलता था, काम करने से पहले अगर गाना कोई गा देता था तो पैसा मिल जाता था, आज गाना गाने से भी नहीं, काम करने से भी पैसा नहीं मिलता। मतलब मोदी सरकार में बेरोजगारी बहुत है। इस बार चेंज कर देंगे? हाँ चेंज कर देंगे। इसको बनाओगे प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव के सारे नेता जा रहे हैं भाजपा में और आप कह रहे हो अखिलेश? नहीं, अब भाजपा में जाए चाहे जहाँ जाए हम अखिलेश यादव को वोट देंगे। जी क्या भैया? हमारा भविष्य है। आपका अखिलेश यादव भविष्य है? जी जी। क्या बात है, क्या किसको वोट दे रहे हो? हम भाई मायावती देंगे। मायावती तो अलग चुनाव लड़ रही है, कोई सब लोग कह रहे हैं उनकी विलुप्त पार्टी हो रही है, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं भाई, हम उनके सपोर्टर हैं। अच्छा, आप सपोर्टर हैं। मायावती को प्लान बनाएंगे? क्या भैया, किसको सपोर्ट? हम तो कांग्रेस ही देंगे। कांग्रेस को? हाँ भैया, कांग्रेस की क्यों दे रहे हो? आप बड़े नेते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छे नेता। हाँ, लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश उनका खाता नहीं खुलता। खाता खुलेगा ना? खुल जाएगा। अखिलेश और कांग्रेस की गठबंधन चल रही है? नहीं चल रही है। नहीं गठबंधन में शामिल तो है? शामिल नहीं होंगे। नहीं, क्या पूछना है इस बार किसको? पांडे। बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू समाज, हिंदू समाज जिंदाबाद, जय श्री राम, जय परशुराम। मैं बीजेपी का हूँ। बीजेपी में क्या ऐसी खास वजह है आप बीजेपी के कर रहे हो? सबको लेके चलती है। क्या लेके चलती है बताइए? सबका साथ सबका विकास। कितना विकास हो रहा है? बहुत विकास हुआ। विकास की लाइए, कहाँ का विकास आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए। जौनपुर के किस विकास हुआ? रोड का चौड़ीकरण। रोड का? हाँ, शहर में जाते हो आप? हाँ, शहर में। अरे गड्ढा खुदा है किस लिए? पाइपलाइन गैस के लिए। कितने साल से पाइपलाइन चल रहा है? नहीं सुनिए, थोड़ा सा प्रोग्रेस आराम से उतार। और जिलों में तो हो गया, कंप्लीट हो गया है? और जिलों में तो कंप्लीट हो चुका है। और आजमगढ़ भी देखिए कंप्लीट है? आजमगढ़ कंप्लीट? जौनपुर में कहाँ कंप्लीट है? जौनपुर लोकसभा की सीट दो है, कमजोर है। आजमगढ़ में एक है? दो है। एक ही है? दो है भैया, लालगंज है। हाँ हाँ, तो तो ये क्षेत्रफल में बड़ा है। अरे दो साल टाइम लगेगा? दो साल तो टाइम लगेगा ना इसका विकास? टाइम लगेगा? 15 साल हो गया बीजेपी को आए। खत्म है रोजी रोटी योगी, खत्म है रोजी रोटी।
क्या भैया क्या नाम है? मैं बाला लखंदर यादव, जिला जौनपुर पहुंची हूं, सरायखाजा थाना। क्या नाम? लखंदर यादव। मेरे हर बगल हो जाइए। मेरे देश के लिए, मेरे देश के लिए, यूपी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए नया इतिहास, नया निर्माण, नया संगठन, नया संविधान चाहिए। फैक्ट्री, कंपनी, एजेंसी, कारखाना का प्लांट चाहिए। और हमारे देश के जो ये कार्यकर्ता हैं, जो हेल्पर लेबर का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई है, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई है, इसके लिए फैक्ट्री, कंपनी, एजेंसी, कारखाना का प्लांट चाहिए। नया इतिहास, नया निर्माण, नया संगठन चाहिए। अखिलेश यादव जैसा, जय अखिलेश, जय मुलायम जैसा देशभक्त चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चाहिए। अरे सोनिया गांधी का लड़का राहुल गांधी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने से फैक्ट्री उठी आ जाएगी? हाँ आ जाएगी। भाजपा नहीं लाई? लेकिन यहाँ पर हम लोग बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये सब रेलवे प्लेटफार्म, दिल्ली की लाल किला रख, ताजमहल, कोयला खदान सब गिरवी रख दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, इनकाउंटर लगवा गोली मरवा दे रहे हैं। इससे कर रही है ना, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, गोली, इनकाउंटर हो रहा है, तो सही जनता और जनता का क्रम धर्म जो संघर्ष है, खून जलाना, पसीना बहाना, संघर्ष करना, वो रुक गया है। सब रुक गए हैं। मजदूरों के ऊपर भी बुलडोजर चला जा रहा है? अरे मजदूरों के ऊपर और क्या, ये बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई है। जिसके घर परिवार दरबार चलना चाहिए, रोजी रोटी चलना चाहिए और पालनहार चलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। 2024 में क्या प्लान है? 2024 में मोदी योगी का नंबर खत्म है। योगी का अभी तो 27 में चलेगा, 27 तक है अभी योगी। दोनों का काम का चुनाव है, ये लोकसभा का, दोनों का काम खत्म होने वाला है। योगी तो रहेंगे 27 तक, मोदी अभी 24 का चुनाव चल रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री। अभी देश को बर्बाद, सर्वनाश, सत्यानाश कर रहे हैं। कोई विकास, मंदिर बनवाने से विकास नहीं होगा, घाट बनवाने से विकास नहीं होगा, बनवाने से विकास होगा। खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का वो पार्टीबाजी और राजनीति लेकर हमेशा हिंदू मुस्लिम एक होकर आंड बन रहे, बोल रहे हैं। जाति धर्म पे चुनाव लड़ी है क्या कौन? बीजेपी जाति धर्म के नाम पे चुनाव लड़ी? हाँ चुनाव लड़ रही है। इस बार क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? ईवीएम बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। ईवीएम बंद किया जाए। इतना बिल आया हुआ है, गरीब आदमी कहाँ से पाएंगे, इतना बिल भरेंगे? लाइट बिल? हाँ लाइट बिल भैया। मीटर लगा है? मीटर लगा हुआ हाथ में दिए हैं, मीटर वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन एक महीना, एक साल, साल भर हमने बत्ती जला रहे हैं, उसमें मीटर पे आया हुआ है 1,80,000 रुपया बिल जमना पड़ता है। मजदूरी नहीं मिल रही, 15-16 दिन से मजदूरी नहीं मिल रही, क्या करें बेचारे? इस बार मजदूर रोटी कैसे खा रहे हैं बेचारे, उनसे पूछो। खाली दाल और चावल देने से कुछ नहीं होता। इस बार क्या माहौल है, मजदूर इस बार किसकी तरफ पलटेंगे? मजदूरी भैया नहीं लग रहा है यार, मजदूर इस बार किसकी तरफ पलटेंगे? हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए हर बिरादरी बोल रही है। हाँ हर बिरादरी बोल रही है, कोई नहीं कि मल्ला है। किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? कोई भी, राहुल गांधी बन जाए, राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी हाथ का पंजा कांग्रेस, वो बन जाए या अखिलेश बन जाए, कोई भी बन जाए, मगर ये ना बने कांग्रेस, भी ना बने, बीजेपी हम नहीं। गाय जात पर जात, जात पर जात दो दुश्मन, कोई खुश नहीं है। हमारे देश के लिए नया इतिहास, नया निर्माण, नया संगठन चाहिए। फैक्ट्री, कंपनी, एजेंसी, कारखाना का प्लांट चाहिए। बेरोजगारी भुखमरी और राम और मंदिर नहीं चाहिए हमको, हमको घाट नहीं चाहिए, हमको इतिहास, निर्माण, संगठन चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाकरी चाहिए। अखिलेश यादव ऐसा कर सकते? ये अखिलेश यादव कर सकते हैं, ये राहुल गांधी कर सकते हैं। इन लोग के अंदर वो क्वालिटी वराइटी है, वो क्षमता है, वो उनके अंदर, उनके कण कण, रोम रोम, अंग अंग में शरीर के, हृदय में अवतार है, चमत्कार दिखा देंगे, मधुर बंधन दिखा देंगे। नहीं मर सकते ये अखिलेश रहते थे, गरीब कोई नहीं मरता था, सब लोग लेबर जितने थे सब लोग खाते थे, कमाए के जाते थे। यहाँ कोई लेबर ऐसे नहीं जाता था, घर लौट कर तो चले जाते हैं। इनको घर कोई खाने का नहीं है, और सरकार क्या, सरकार कुछ नहीं देने वाली है, सरकार तो अपना देख रही है ना, यहाँ तो देख नहीं रही है, चौराहे पे क्या हो रहा है क्या नहीं, इनको क्या, हम लोग भूखे मर रहे हैं ना, घर जा रहे हैं, कोई की दिक्कत नहीं है, सरकार तो अपने से मस्त है, यहाँ घूम रही है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। राम को तो भगवान ला सकता है कि वो लाएंगे राम को, उनकी औकात है राम। मंदिर बनवा दिए? अरे मंदिर तो बहुत सी बन गई, बहुत सी मस्जिद बन गई, तो मस्जिद मंदिर खाए के देगा, जब भी देगा तो मजदूर को नमक रोटी, चटनी रोटी देगा, वो तो सब बंद हो गया, तो कहाँ से? 7 बजे से आता है चौराहे पे, चलो रोजी लगेगी, आदमी का घर चलता रहेगा, मगर यहाँ आओ तो 10 बज गया है, 12 बजे तक, 1 बजे तक हम लोग रहते हैं यहाँ,
अब हम लोग घर भी चले जाते हैं, काम मिल गया काम पे, नहीं तो घर चले जाएंगे। यहाँ का रोज मिल जाता है काम, रोज कहाँ मिलता है, एक दिन नहीं, जब आते हैं आज 6-7 दिन से लौट के जा रहे हैं, क्या करें, नहीं है काम, रोज रोड पे कोई नहीं है, सब लेबर तो खड़े हैं, कोई लेबर, सब लेबर केवट मौर्या हर बिरादरी रो रही है, ये नहीं कि कोई बिरादरी खुश है। साथियों अभी मैं जनपद जौनपुर के मजदूर संगठन यानी चाँद मेडिकल के पास, वही मजदूर संगठन जो रोज सुबह साइकिल से पैदल निकलते हैं एक रोजगार के लिए, किसी घर पे काम मिल जाए अपना, ताकि शाम तक काम करे, जीवन यापन कर सके 300-400 दिहाड़ी में। हमारे साथ एक मजदूर भाई मिले थे, हालांकि इन्होंने बहुत कुछ डबल एमए किए हैं, लेकिन उन नेताओं की उन पार्टियों की सारी गलतफहमियां को दूर कर दिया, जो एक सोचते थे मजदूर को अनपढ़। तो फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, क्या 2024 में इस बार क्या प्लान है, किसको वोट देना है कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक ले जाए जय भारत, वंदे मातरम।